हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल शाहरुख ब्लॉग। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स सब्जेक्ट लेके पढ़ाई कर रहे हैं प्लस टू में, दोस्तों अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आपको जॉब नहीं मिल रहा, आपको कहीं भी जॉब चाहिए, तो गाइस आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, तो गाइस आप भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स सब्जेक्ट लेके प्लस टू में पढ़ाई कर रहे हैं। तो गाइस चलिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए, प्रोसीजर आप लोग बताऊंगा और दोस्तों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट कर दें, बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है। फर्स्ट तो आपका एज 17 प्लस होना चाहिए। देन अगर आप इंडियन सीडीसी लेना चाहते हैं, इंडियन सीडीसी का मार्केट में वैल्यू है, और जो अदर सीडीसी है पनामा, बेल्जी और लाइबेरियन सीडीसी, तो उसके लिए तो छोड़िए उसका सीन, ठीक है। तो आप अगर आप इंडियन सीडीसी पाना चाहते हैं, तो आपको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इंडियन सिटीजन। और आपका क्लास टू में आपका जो मार्क्स है, या फिर क्लास टेन में आपका जो फाइनल एग्जाम का मार्क्स है, आपका 50% इंग्लिश पे, और एवरेज आपका 60% होने चाहिए। अगर आपका कलर ब्लाइंडनेस है प्रॉब्लम, तो आपको मेडिकल में अनफिट किया जाएगा, आप नहीं आ सकते मर्चेंट नेवी, ठीक है। आप लोग बता देता हूँ, तो मेडिकल में आप अनफिट हो जाओगे, तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं चलेगा। तो ऐसे ही है छोटा मोटा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और फिजिकली एंड मेडिकली आपको फिट होना। दोस्तों तीन कोर्सेस है जो आप कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है STCW कोर्स, जिसको ओपन सीडीसी भी बोलते हैं, और दोस्तों सेकेंड है जीपी रेटिंग भी आप कर सकते हैं, और एक है CCMC कैटरिंग का कोर्स। दोस्तों तीन कोर्सेस है, अब आपका पर डिपेंड करता है कौन सी कोर्स करना है, ठीक है। दोस्तों तीन कोर्स के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताऊंगा। दोस्तों STCW कोर्स जो है, उसको ओपन सीडीसी बोलते हैं, वो आपका लगभग 15,000 से 20,000 खर्चा होगा। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में आप लोग बता देता हूँ, ठीक है। इससे पहले तो आपको DG अप्रूव कॉलेज से कोर्स करना है। अगर आपको DG अप्रूव समझ में नहीं आ रहा, तो मेरे से कांटेक्ट करिए, मैं इंस्टाग्राम का आईडी देख सकते हैं और फेसबुक का भी है, ठीक है। कहीं भी आप मैसेज कर सकते हैं, मैं DG अप्रूव कॉलेज का नाम आप लोग बता दूंगा। अगर आप कलकत्ता से हैं, तो सिकोर मेरिन कॉलेज से कर सकते हैं, इधर ही लोकल में कलकत्ता में। और दोस्तों अगर आप मुंबई से हैं, अदर स्टेट से हैं, तो आप मुंबई का भी मेरिन कॉलेज से कर सकते हैं, ठीक है। ये दो कॉलेज का नाम आप लोग बता दिया। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है 40% 40+, या फिर 40% मार्क्स चलेगा इंग्लिश पे। कोर्स का जो फीस है 15,000 से 20,000 खर्चा होगा, 10 से 15 दिन का ड्यूरेशन है कोर्स का। उसके बाद कॉलेज आपको एक इंडोस नंबर देगी। इंडोस नंबर कैसा होता है, इसके बारे में डिटेल्स में मैं मतलब एक वीडियो में बताया हूँ, ठीक है। ऐसे भी आप लोग अगर समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे मैसेज करिए। दोस्तों कॉलेज आपको इंडोस नंबर देगी, देन आप STCW कोर्स, जो आपका 5 STCW कोर्स का जो सर्टिफिकेट है, उसको लेके और इंडोस नंबर लेके और एक DG अप्रूव मेडिकल लेके आपको जाना है CDC अप्लाई के लिए। दोस्तों CDC अप्लाई के लिए आपका 750 लगभग खर्चा होगा, और ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, आपका ATM से पैसा कटेगा, ठीक है। तो गाइस यही है प्रोसीजर STCW कोर्स, या फिर ओपन CDC करने का तरीका। ये कोर्स करके आप मर्चेंट में ज्वाइन कर सकते हैं, आपका ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 से 25,000 खर्चा होगा, इससे 1 रुपया ज़्यादा खर्चा नहीं होगा, ठीक है। अब जॉब का गारंटी मैं नहीं दे सकता, जॉब आपको मिलेगी कि नहीं, बट बहुत सारी ऑफिस है जो ओपन सीडीसी को लेती है, और बहुत सारी ऑफिस है जो ओपन सीडीसी को नहीं लेती। तो ऑफिस का नाम भी मैं बहुत सारी वीडियो में बता दिया हूँ, अगर आपको जानना है तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं। तो अब है GP Rating। दोस्तों GP Rating कोर्स करके आप जॉब पा सकते हैं, ये गारंटी है, क्योंकि बहुत कॉलेज है जो GP Rating वालों को प्लेसमेंट देती है। और दोस्तों GP Rating का फीस भी थोड़ा ज़्यादा है, GP Rating का फीस लगभग, अगर आप उड़ीसा से करना चाहते हैं, तो आपका 1,30,000 खर्चा होगा, ठीक है। और गाइस अगर आप कलकत्ता से कोई भी कॉलेज से करना चाहते हैं, आपका 1,80,000 खर्चा है। एक कॉलेज का पर डिपेंड करता है, कॉलेज कितना फीस लेती है, ठीक है। मैं जस्ट आप लोगों को एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। और दोस्तों लगभग आपका कितना GP Rating में आपका 2,00,000 से 2,20,000 तक खर्चा होगा, और मुंबई से करना चाहते हैं 2,20,000 ऐसा करके कुछ खर्चा होता है, ठीक है GP Rating का। और दोस्तों कुछ कॉलेज है जो GP Rating को प्लेसमेंट देती है, आप NUSI से कर सकते हैं, TS Rahman मुंबई में है, उड़ीसा मैरीटाइम अकेडमी। तो ये जो तीन कॉलेज है, और भी बहुत सारे कॉलेज है, तो मुझे इंस्टा पे मैसेज करिए, मैं आप लोगों को रिप्लाई दूंगा और बता दूंगा कि कौन सी कॉलेज प्लेसमेंट देती है। दोस्तों GP Rating का फुल फॉर्म है जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स, और ये 6 महीने का इसका ड्यूरेशन है। DG अप्रूव कॉलेज से आपको कोर्स करना है, ठीक है, फर्स्ट आप लोग बता देता हूँ। और दोस्तों एक मेडिकल भी करना है आपको कोर्स से पहले, वो भी DG अप्रूव डॉक्टर के पास से आपको मेडिकल करवाना है। और एडमिशन से पहले आपको एक पासपोर्ट अप्लाई करना है, जो आपका 20 से 25 दिन या फिर 1 महीना में आपका आ जाएगा।
अब दोस्तों आप लोगों को CCMC के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों CCMC कोर्स कैटरिंग का कोर्स है, मतलब खाना बनाने का। जहाज़ तो आप लोग बताएं, जहाज में तीन टाइप का होता है, एक इंजन, एक डेक और एक कैटरिंग का। कैटरिंग का खाना, कैटरिंग जो है वो लोग खाना बना के सब लोगों को खिलाते हैं और खुद खाते हैं, ठीक है। तो एक काम है कैटरिंग का। तो गाइस आप CCMC का भी कोर्स कर सकते हैं। इसका फीस लगभग 1.5 से 2 लाख के बीच में है। एक कॉलेज का पर डिपेंड करता है कितना कॉलेज फीस लेती है, ठीक है। और दोस्तों CCMC का जो कोर्स है वो करके आप चीफ कुक तक बन सकते हैं। आपका सैलरी लगभग 1 लाख तक पहुंच जाएगा, ठीक है, बहुत ही अच्छी है। और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 50 या फिर 60% चलेगा एवरेज, और 50 से ऊपर इंग्लिश में मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। दोस्तों अब जहाज़ के बारे में आप लोग बता देता हूँ। एक फॉरेन गोइंग जहाज होती है और एक है जो दो नंबर में अपना इंडियन कोस्टल का जहाज है। इंडियन कोस्टल का जो जहाज जो चलती है, छोटा छोटा जहाज है, उसमें सैलरी थोड़ा कम रहता है। और जो फॉरेन गोइंग है, आप फॉरेन गोइंग वैसे में अगर जाते हैं तो आपका सैलरी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको, ओवर टाइम का भी पैसा मिलता है। तो उधर थोड़ा आपको घूमने को भी मिलेगा, बहुत दुनिया देखने को मिलेगा, ठीक है, अलग अलग कंट्री घूमने को मिलेगा, आपको सैलरी भी ज़्यादा ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों ये डिफरेंस है। और दोस्तों आपका सैलरी के बारे में आपको बता देता हूँ। अगर आप इंडियन कोस्टल में ज्वाइनिंग करना चाहते हैं जीप रेडिंग करके या फिर CCMC करके कोर्स करके करने के बाद या फिर STCW कोर्स करने के बाद, जीप रेडिंग STCW वालों का सेम सैलरी रहता है इंडियन कोस्टल पे, 8 से स्टार्ट है, 15 का बीच में आपको मिलेगी, ठीक है, सैलरी। और दोस्तों अगर FG ज्वाइन करना चाहते हैं, फॉरेन गोइंग वेसल, जो FG उसका नाम है, तो आपका सैलरी रहेगा 15 से 20 हज़ार या फिर 25, एक कंपनी का ऊपर डिपेंड करता है। कॉलेज का फीस और आपका सैलरी पूरा पूरी कंपनी और कॉलेज का ऊपर डिपेंड करता है। अब जहाज भी कैसा है, किस टाइप का जहाज है, उसका ऊपर भी डिपेंड करता है आपका सैलरी। कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट है या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा है वीडियो पे, तो ऐसे मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगा, ठीक है। तो ऐसे चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय।